नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बांदा में आज एक बार फिर चोरी के इरादे से घर में घुसे चोरों वृद्ध महिला को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इन चोरों के द्वारा गांव के दो घरों में जमकर लूटपाट की गई है, लेकिन जब घर के लोगों ने आहट सुनी तो वहां से यह बदमाश भाग खड़े हुए और गाँव के ही बगल के घर में जाकर अपनी चोरी की घटना को अंजाम देने लगे। और जब वहां पर सो रही वृद्ध महिला ने जाकर उन बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने उस बूढ़ी महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने के पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की जा रही है और वही सबको पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीसी बांदा से अरबाज खान की एक खास रिपोर्ट। घटना, ये दादी हमारी अकेले घर में सो रही थी, रात में चोरी के उद्देश्य से आए हैं। जो चोरी किए हों उनके पास तो कुछ भी नहीं था, जान से मार दिया उन्होंने, पहचान लिया तो उन्हें जान से मार दिया। तो कौन लोग थे, कुछ है जानकारी? कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसी कोई जानकारी नहीं हो रही कि किसने कौन आए थे घर में? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी नहीं। आप लोगों को कब पता चला कि डैडी? जब सुबह पिताजी गए गाँव, देखा अंदर अम्मा लेटी थी, खून खच्चर पूरा था शरीर में उनके। सुखा हथियार से मारा है क्या? हाँ, कुछ चाकू डंडे। चाकू डंडे से मतलब खून भी धारी थी। कई बजे की घटना है लमसम? ये रात की घटना है। रात को तो आप लोगों को सुबह जानकारी हुई? सुबह जानकारी हुई, तो क्या आपने पुलिस को जो है सूचना दी? सूचना दी है। क्या हुआ उसमें, क्या कहा? उसमें पूरी जांच कर रहे हैं। आज थाना बदौसा अंतर्गत ग्राम घुसासी, वहाँ पर एक 88 साल की वृद्ध महिला थी। उसके घर में जो है कुछ अज्ञात लोगों द्वारा घुस करके उसके ऊपर वार करके और उसकी मृत्यु कारित कर दिया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर वहाँ मौके पर क्षेत्राधिकारी हतर्रा और थानाध्यक्ष बदौसा वहाँ पर पहुंचे, उसकी छानबीन कर रहे हैं। उस मृतका के नाती द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें उन्होंने ये बात को बताया है कि रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में चोरी की नियत से प्रवेश करके उनके नानी के साथ उसको वार किए हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, तथा घर में रखे दो बक्सों से 2000 रुपये भी वहां से गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं। बक्से ले जा करके दूर 500 मीटर दूर जो है कहीं खेत में चोरों द्वारा छोड़ा गया है। इस संबंध में टीम गठित कर ली गई है। टीम गठित करके इस घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा।